हेलो ब्यूटीफुल पीपल राधे राधे टू ऑल होप यू आर डूइंग वेल एंड थिंग्स आर गोइंग गुड टू यू मी रश्मि सिन्हा न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर वेलकम यू ऑल अगेन अनदर व्लॉग ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी है फिर से मोबाइल न्यूमरोलॉजी यू गेट बोर्ड और वट अच्छा मैं इसका पर्दाफाश करती हूँ क्यों है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक और वीडियो बिकॉज आप बताइए जब पैंडमिक आई कोविड आई तो सबसे पहले क्या बदला हमारी लाइफ में पढ़ने का तरीका एजुकेशन जो आप स्कूल कॉलेज जाके करते थे अब ऑनलाइन करने लगे बैंक जहाँ जाकर आप अपने पैसे निकालते और सारे ट्रांजेक्शन्स चेक करते थे अब तो मोबाइल पर ही सारा डाटा आ जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स तक आ जाती है पीडीएफ से लेकर गैलरी तक और आपके जीपीएस से लेकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मेल तक पहुंच जाती है मोबाइल अगर डिस्चार्ज होने लगे तो ऐसे जान जाती है जैसे लगता किसी ने सांस से कम कर दी हो रात को उठो तो मोबाइल देखते हैं घर से जा रहे हो और अगर मोबाइल घर पर छूट जाए इंसान भले ही बटुआ लेने वापस ना आए बट मोबाइल लेने तो भाई 200 किलोमीटर से वापस आ सकता है <laughs> तो मोबाइल की एनर्जी ऐसी हो गई है जैसे कोई भाई बेटा पति गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हो सो so, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली मोबाइल के पावर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगी मोबाइल एक रेमिडियल पार्ट है हमारे न्यूमरोलॉजी का आपके बिना कुंडली बनाए कभी भी मोबाइल एमरोलॉजी नहीं की जा सकती है आज के इस वीडियो में मैं कुछ पिन कोड्स बताऊंगी जिसे आप रख कर अपनी लाइफ में मनचाही चीज़ों को जल्दी से ग्रास्प कर सकते हैं साथ ही साथ कुछ वॉलपेपर्स भी ऐड करूंगी जो आपको हेल्प करेंगे बट उससे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहती हूँ मोबाइल एमरोलॉजी के जो आप ही के भेजे गए हैं और आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट व्यूअर्स हैं कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और मेरा भी कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी कह ले या कहीं ना कहीं नॉलेज अपडेट होता रहता है तो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी और जो लोग कंसल्टेशन बुक करते हैं उनके लिए स्पेशल थैंक यू क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया मुझे मौका दिया उनकी ज़िंदगी में जुड़ने का तो उसके लिए थैंक यू आप सभी भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं उसके लिए सिर्फ आपको एक क्लिक करना है इंस्टाग्राम के लिंक पर जो है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँचते हैं मेरे हैंडल uh, पे इंस्टाग्राम हैंडल पर और वहाँ हमारी पर्सनल बातचीत के बाद ही कंसल्टेशन बुक हो जाती है इट इज़ पेड जब तक आप वीडियो देख रहे हैं एक धर्म बनता है आपका कि आप दान दक्षिणा के तौर पर इस वीडियो को शेयर करें अपने जानने वालों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले मैं कुछ सवालों के जवाब ले लेती हूँ भाई पहले पुराने जो वीडियोज देखे गए उनके बारे में तो बताना बनता ही है फिर हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में लेट्स मूव सो आई एम गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सो उसमें से पहला क्वेश्चन है वाई मोबाइल न्यूमोलॉजी इज इफेक्टिव येस इट इज़ रियली इफेक्टेड बिकॉज इट्स रेमेडियल एंड वेन द कंपनी इवन जो भी कंपनी काम कर रही है बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में आप देख सकते हैं सब अपना एक टोल फ्री नंबर रखते हैं जिन कंपनीज़ ने अपने टोल फ्री नंबर में वन एट की सीरीज़ रखी ट्रिपल एट की सीरीज़ रखी आज वो डेड है फॉर एग्जाम्पल आप जस्टाइल को चेक कर सकते हो इसके अलावा पेटीएम को भी काफ़ी लॉस हुआ है साथ ही साथ नाइन फोर की सीरीज बी एस एन एल की इज ऑल्सो बिंग वेस्टेड और बहुत सारे ऐसे नंबर जिसमें या तो जीरो ज्यादा दिख रहे हैं एट फोर के कॉम्बिनेशन हैं वन एट का कॉम्बिनेशन वो आज के डेट में काम नहीं कर रहे हैं जो इसका जीता जागता सबूत है ओके सो सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स शुड बी गुड इन अ मोबाइल नंबर जब आपका मोबाइल नंबर होता है वो टेन डिजिट्स का होता है जिसमें हम अगर आप पेयरिंग करोगे तो नाइन पेयर्स बनते हैं तो अगर आपको सारे के सारे नाइन पेयर्स अच्छे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है हर पेयर कुछ बोलता है हर नंबर कुछ बोलता है क्योंकि वो प्लैनेट्स हैं इसलिए एक ही जैसे पेयर्स को बार बार रिपीट ना करें क्योंकि वो ओवर हो जाते हैं जैसे कुछ लोगों को लगता है कि लग्ज़री सिर्फ सिक्स से आती है तो वो बहुत सारे सिक्स उठा लेते हैं अगर लग्जरी आती है तो लेज़ीनेस भी आता है अगर फाइव बहुत अच्छा नंबर है अगर फाइव स्टेबिलिटी देता है तो बहुत सारे फाइव अगर आप ले रहे हो ट्रिपल फाइव यूज कर लिया सपोज करो तो आप इतने स्टेबल हो जाओगे कि लाइफ में कुछ आगे करने का सोचोगे ही नहीं तो ये तो इसका नुकसान हुआ ना जैसे लगातार मेडिसिन खाने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं वैसे ही लगातार उस नंबर का इस्तेमाल करने से उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ सकते हैं स्लेट डिजाइन कर किया जाता है नंबर को ओके वाई मल्टीपल नंबर इज नॉट प्रिफर्ड राइट ट्रिपल एट ट्रिपल सेवन ट्रिपल नाइन ट्रिपल टू ऐसे नंबर्स की एंडिंग वाले नंबर्स में मैं एक बात बता देती हूँ आपको जिस चीज़ को ट्रिपलेट पे किया गया है वो प्लानट ओवरडोज हो जाएगा सपोज आपने ट्रिपल वन किया हुआ है तो ये ओवरडोज ऑफ सन है एंड सन के पार्स वाले लोग एरोगेंट भी होते हैं साथ ही साथ जल्दी से किसी भी काम में हार नहीं मानते इसलिए अपने हेल्थ को भी दाव पे लगा देते हैं ट्रिपल टू अगर आप ले रहे हो तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशन से ही सारे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में या किसी भी काम करने की जगह पर नुकसान उठाना पड़ता है लोग उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं ट्रिपल थ्री ट्रिपल थ्री सबको लगता है बहुत अच्छा नंबर है बृहस्पति का नंबर ट्रिपल लिया तो बहुत बढ़िया लेकिन अगर आप ही बताओगे ट्रिपल टी थ्री हो जाएगा तो प्रोकास्टिनेशन यानी आप में लॉन्ग टर्म सोचने की पावर तो है लेकिन लॉन्ग टर्म इतना ज्यादा सोचोगे कि प्रोकास्टिनेट करोगे और कोई भी काम जो होना चाहिए वो नहीं होगा इनिशियलाइज तो करोगे मगर वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा ओके okay, ट्रिपल फोर तो वैसे भी फोर को हम लोग नेगेटिव मानते हैं बट ट्रिपल फोर होने वाले लोग ओवर डिसिप्लिन होते हैं और ओवर डोमिनेंट देखे जाते हैं ट्रिपल फाइव वही जो मैंने कहा मूड स्विंग्स बहुत हाई करेगा और आपकी बार बार किसी भी काम को छोड़ने की इच्छा होगी यानी आप बार बार अपना काम या जॉब चेंज करते रहोगे तो ऐसे लोग स्टेबल स्टेबिलिटी ओवरडोज हो सकती है या नॉन स्टेबिलिटी भी हो सकती है ट्रिपल सिक्स होगी तो लग्जरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी प्रीमियम चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगेंगी कि अननेसेसरी आप खर्च करोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करोगे ट्रिपल सेवन डिटैचमेंट का नंबर बहुत सारे सेवन का मतलब है आपको दुनिया में हर बात की बाल की खाने निकालने की आदत हो जाएगी और साथ साथ आप अपनी नंबर की वजह से लोगों से अटैच नहीं हो पाएंगे ट्रिपल एट यानी स्ट्रगल ऑब्स्टेकल्स एंड अननेसेसरी सडन इशूज आएंगे ट्रिपल नाइन यानी मंगल ट्रिपलेट हो गया और ऐसे में आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट चोट डेप लोन या किसी फ्रॉड में फंसने के चांसेस होते हैं तो इसीलिए ट्रिपलेट्स आर अवॉइडेड मैंने ऑलरेडी एक पूरा टॉपिक ही बता दिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट कंसल्टेशन कैन आई डिजाइन माई ओन नंबर वेरी गुड अगर आपने फार्मिंग नहीं पढ़ी सपोज और आप यूट्यूब से या किसी तरह से हेल्प ले करके एग्रीकल्चर कर रहे हो तो इस बात की श्योरिटी कि आपका अनाज जो है वो बहुत अच्छा होगा सिक्सटी फोर्टी का रहता है सिमिलर अच्छा हो गया तो आप फिर से वही अप्लाई करोगे यानी आप इन्हांसमेंट या एक्सपोज जो एक्सप्लोरेशन है वो नहीं करोगे फॉर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर कोई बच्चा कभी स्कूल कॉलेज ना गया हो और वो घर से ही डिग्री ले रहा हो तो उसने उस जगह के बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया तो जब आप किसी के अंडर गाइडेंस कोई भी नंबर uh, डिज़ाइन नहीं करा रहे तो आप एक तरह से सिर्फ ये देख रहे हैं कि देखता हूँ ये नंबर कैसा मेरे लिए काम करता है तो आप ऐसे में बार बार डिससेटिस्फाइड होकर नंबर चेंज करते रहेंगे और उसके अच्छे बुरे अफ़ेक्ट्स को भुगतते रहेंगे सो इट्स ऑल अप टू यू मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती हूँ सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ ओके okay, जब आप मोबाइल डिज़ाइन करते हैं तो वॉट थिंग्स यू सी एंड वॉट थिंग्स यू प्रोवाइड ओके जब मोबाइल नंबर डिजाइन होता है तो मोबाइल नंबर में आपका सबसे पहले चेक होता है मोबाइल का टोटल जो आपके बर्थडे दे, आपके डेस्टनी नंबर आपके कुआ नंबर आपके एंजल नंबर के साथ कम जो है ना वो फ्रेंड जोन होना चाहिए ये नहीं कि वो किसी के साथ भी अगर नेगेटिव है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ठीक है सेकंड चीज़ उसके बाद हम आते हैं मोबाइल में नंबर कोई भी ज़्यादा एक जैसे नंबर्स नहीं दिखने चाहिए यानी बहुत सारे नाइन दिख कहीं पे भी दिख रहे हो वो नेगेटिव होते हैं वो हम अवॉइड करते हैं जीरो को भी अवॉइड करते हैं इसके बाद आती है पेयरिंग तो जो नाइन पेयर होती है वो सारी पेयरिंग देखी जाती है उस पेयरिंग के क्या रिजल्ट्स आपको मिल रेंगे वो देखे जाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी अगर आपको शादी करनी तो आपकी मैरिज की को ध्यान में रखते हुए पेयरिंग होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी डील कर रहे हो तो उसको लेके अगर आपको जॉब इशूज़ हो रहे हैं तो उसको लेके ऐसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ओके मैम इलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री ये सो एंजल नंबर्स होते हैं तो क्या ये मोबाइल में रखे जा सकते हैं वेरी गुड क्वेश्चन यस एंजल नंबर्स का इस्तेमाल हम ऑलरेडी अलग से कर सकते हैं उसको मोबाइल में यूज़ करने की जरूरत नहीं है आप एंजल नंबर्स का बहुत सारा दूसरा यूज़ होता है उसके ऊपर कोई अलग वीडियो मिलेगा जिस पर डिस्कस करेंगे अब आते हैं हमारा जो आज कनेक्ट टॉपिक है एंड विच इज़ पिन कोड वाला तो वो मैं डिस्कस कर देती हूँ वैसे तो अगर आप मोबाइल नंबर डिजाइन कराते हो तो मैं जो लॉकिंग कोड है आई एल प्रोवाइड बाय माय ओन बट फिर भी अगर आपको एक uh, मतलब रफ आइडिया चाहिए इसके लिए तो चलिए उसको ले लेते हैं आपका जो भी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है उसको सपोर्ट करने वाला नंबर चलो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एकदम uh, एकदम ही पुअर नंबर ले रही हूँ मैं किसी का बर्थ नंबर वन पे आता है और उनकी डेस्टनी आती है एट पर ऐसे लोगों को बहुत सारे नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे में हमें एक नंबर जो है वो आसानी से सपोर्ट करेगा और वो है नंबर थ्री क्यों क्योंकि नंबर वन एंड थ्री दे आर टुगेदर गुड सन एंड जुपिटर उनकी अच्छी बनती है इधर हमारे साथ है शनि एंड यानी साटन एंड जुपिटर साटन आल्सो रिस्पेक्टिंग जुपिटर तो ये नंबर थ्री इज़ विल बी द गुड नंबर तो आप अपने मोबाइल का जो लॉकिंग कोड है वो थ्री पे ले जाओ अब इसे ले जाने के लिए आपको फोर डिजिट्स की जरूरत पड़ती है राइट right? तो अब जीरो मत भर लेना बहुत सारे या सेम सेम नंबर मत भर लेना आप चेक करो आपके ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है उस नंबर को वहां लाओ और उसके बाद थ्री के टोटल पे लेके जाओ फॉर एग्जाम्पल सारे नंबर जुड़कर थर्टी पे आ जाएंगे तो वो थ्री हो जाएगा सारे नंबर जुड़कर अगर मैं ले लू फोर्टी थ्री तो सेवन हो जाएगा फोर्टी तो सिक्स हो जाएगा जैसे सिक्स चाहिए और ऐसे करके टोटल करके चेक करो ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर है अगर मान लो किसी के लाइफ में उनकी मैरिज तो हो गई बट मैरिड रिलेशनशिप अच्छे नहीं है मैरिज में बहुत दिक्कत आ रही है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और अपने पार्टनर के साथ बात बात पर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए अपने लाइफ में ला... मैरिज रिलेशनशिप नंबर इज सिक्स को एड करना है तो आप अपने लॉकिंग कोड को सिक्स पे रखोगे फॉर एग्जाम्पल वन टू वन टू को टोटल करो सिक्स आ जाता है वन थ्री फाइव सिक्स को भी टोटल करो तो बनेगा फिफ्टीन फिर सिक्स बन जाएगा ऐसा कोड भी आप रख सकते हो ये मनी में भी हेल्प करता है रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है सिक्स का टोटल वाई नॉट फोर एंड एट क्योंकि फोर एंड एट भी रख सकते हैं अगर आप किसी यूनिफॉर्म जॉब में है मान लो आप एक कैब ड्राइवर हो गाड़ियां चलाते हो मान लो आप ऑटो ड्राइवर हो आपके या आपकी बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं तो आपको क्या चाहिए मेरी चीज़ें रोज रोज बहुत सारा मूवमेंट करें बहुत सारा म हो वहां पर राइट तो यूनिफॉर्म जॉब या जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है उसमें भी फोर के कोड्स ले सकते हैं बट कोशिश कीजिए फोर मिड में यूज कीजिए टोटल आप वन थ्री फाइव या सिक्स पे लेके जाएं तो मैंने थ्री का बोल दिया सिक्स का बोल दिया वन किस को लेना है जिनको करियर इशूज हैं जिनके बॉस से उनको प्रॉब्लम हो रही है जो जॉब तो कर रहे हैं बट जॉब में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही दे शुड टेक जो फोर डिजिट है वो आपका टोटल आना चाहिए वन पे एंड लास्ट इज फाइव वाई five इज गुड Five इज गुड फॉर मूवमेंट अगर आप फॉरन मूवमेंट सोच रहे हो आपको जॉब शिफ्ट करनी है आपको घर शिफ्ट करना है आपको कुछ भी चेंज अगर करना है बड़ा सा चेंज अपनी लाइफ में तब आप five चूज करो अदरवाइज five भी मत चूज करो वन ले सकते हो थ्री ले सकते हो सिक्स ले सकते हो सेवन भी ले सकते हो वाई सेवन सेवन इज अ स्पिरिचुअलिटी का नंबर रिसर्च का नंबर आई टी का नंबर तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनका टोटल अगर सेवन पर है वो उन्हें सपोर्ट करेगा मेरे खुद के नंबर में तीन बार सेवन आता है बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स पूछे मैम आपने अपना नंबर क्यों नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए चाहिए और और चाहिए राइट अब एट का क्या कहानी है एट की क्या कहानी है तो एट भी लेते हैं लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिन्हें अपना बड़ा सुंदर सा घर बनाना है ठीक है या जिन्हें कोई रियल स्टेट जॉब कर रहे हैं वो या फिर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर है उनके लिए एट ठीक है बट फिर वही चीज़ है कि आपका जो बर्थ नंबर है एंड डेस्टिनी नंबर है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए नहीं तो वो उल्टे रिजल्ट्स भी देने लगता है और नाइन कौन लेगा डॉक्टर्स लेंगे डॉक्टर्स लेंगे जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं जो एन में जुड़े हुए हैं जो समाज का जुड़ा काम कर रहे हैं उन्हें लेना है नाइन तो आप अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हुए अपनी जरूरतों को देख करके आप उस नंबर के कोड को पिन कोड को यूज करो और देखो कि दो महीने में उसके रिजल्ट्स आपको कितने अच्छे मिलते हैं अब बात करते हैं थोड़ी सी वॉलपेपर के बारे में सॉरी मैं ना बहुत सारे इसमें अपने वीडियोस में ऐड नहीं कर पाती हूँ पिक्चर उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा बट समझ लीजिए मैं कैसे पिक्चर्स क्या उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए वहाँ पिक्चर्स डालती हूँ तो वो आपको हेल्प मिल जाएगी अब वॉलपेपर की जहाँ तक बात है वॉलपेपर एक बहुत आसान सी चीज़ है जिसे आप फ्री ऐप से कभी भी लगा सकते हो हटा सकते हो बदल सकते हो बहुत आसान है तो इसके लिए आप उसी चीज़ को अपना वॉलपेपर बनाओ जो आपका अभी के टाइम पर अफर्मेशन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बोर्ड एग्जाम देनी है तो उसको क्या चीज़ लगानी चाहिए उसको क्या लगानी चाहिए उसको विक्ट्री का सिम्बल लगाना चाहिए विक्ट्री क्योंकि वो जीतना चाहता है राइट अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को लगाओ अगर आप आ, मतलब मान लो कि हाउस वाइफ हो ठीक है आपको सिर्फ चाहिए सब कुछ घर पे अच्छा चले सब कुछ तो आप माँ लक्ष्मी की लगा सकते हो या एक अच्छे से बुद्धा की लगा सकते हो या एक अच्छे से घर की जहाँ पे एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली है किसी की भी वॉलपेपर उठा लो और लगा लो अपनी फैमिली की नहीं लगानी है क्योंकि फिर आप वो ऐसा लगता है जैसे आपका घर का कोई गुम हो गया और आप घुम के मेले में वो मोबाइल में फोटो लगा के घूम रहे हो तो अपनी फैमिली पर्सन के पिक्चर्स उतना नहीं लगाना क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ होते हैं बट आप नई नई पिक्चर्स ट्राई करो और अपनी अफर्मेशन यानी जो आप अभी चाहते हो उसको ही अपना वॉलपेपर बनाओ ये दैट इज द ग्रेट मैजिक यू कैन सी मैंने खुद इसे ट्राई किया है और मेरी मैंने, मैंने इसको सबसे पहले जो ट्राई किया था मैं एकदम कन्फेस करूँ आज आप सबके सामने मुझे लगता था मेरी डॉलर में सैलरी आनी चाहिए और मैंने एक डॉलर का सिंबल ही अपना होम स्क्रीन बना लिया वो भी गोल्डन कलर का अगर नॉर्मल येलो कलर हो तो वो बृहस्पति यानी जुपिटर का कलर होता है जैसे कार हो कार अगर नॉर्मल येलो कलर की है तो वो जुपिटर की कलर की है लेकिन अगर उसमें मेटेलिक कलर है यानी वो शाइन भी कर रही है तो देन इट इज अ वीनस कलर तो मैंने वीनस के कलर वाला डॉलर का सिंबल लगाया एंड रियली वन मंथ के अंदर अंदर ये चीज़ हुई थी सो so, और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने वॉल पेपर के रिज़ल्ट देखे सो आई वुड सजेस्ट कि करके देखिए और मुझे आप थैंक यू करने ज़रूर आएंगे आई प्रॉमिस तो ये थे कुछ आ, लकी वॉल पेपर जो मैंने आपको बताए इसके अलावा भी आप कमेंट करिएगा जो भी लकी वॉल पेपर्स किसी के छूट गए हो या मुझे कई बार पता नहीं होता कि आपको क्या चीज़ के लिए चाहिए तो बताइएगा मैं आपको कौ, कौ, मैं हर किसी को कमेंट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं वरना मैं तो उठा लूँगी फिर जिसने क्वेश्चन भेजा उनकी लग जाएगी लॉटरी <laughs> तो होप आज का जो वीडियो है वो भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसे फुल इंजॉय करेंगे और इन्जॉय कीजिए वीडियोज़ को देखिए पूरा शेयर कीजिए उस पर अपना प्यार बरसाइए जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं राधे राधे थैंक यू मैम जो आपको अच्छा लगे वो करिए और वेबसाइट विजिट कीजिएगा कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप मेल पर भी मुझे कर, कर सकते हैं मैसेज मगर अपना नाम और नंबर जरूर भेजा कीजिए ताकि हमारी टीम आपको कॉल करें और सेकेंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अब चलती हूँ बाय बाय